स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप फ़्लिपकार्ट यूज़ करते हो और गैजेट्स वग़ैरह आप ऑर्डर करते हो और लेकिन आपके फ़्लिपकार्ट जब आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है जी ऑफ जी इज़ ऑफ़ प्लीज़ स्विच इट ऑन एंड रिट्राई अनेबल टू डिटेक्ट लोकेशन और ऐसा करके इरोर आ रहा है तो आप इस इर को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मैं बारे इस बारे में वीडियो पर डिस्कस करने जा रहा हूँ रीज़न बताऊँगा प्लस सोल्यूशन भी बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे स्किप मत कीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो आप अपडेट मिस ना करें और ऐसे बेहतरीन भे, बेहतरीन वीडियो देखने का देखने के लिए टेक के रिलेटेड चैनल को सपोर्ट करें तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि आपको क्या करना है आपको रीज़न को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप आपका प्लेस चेंज हो गया है और आपने एड्रेस को चेंज किया है जहाँ पे आप ऑर्डर कर रहे हो तो एड्रेस को चेंज किया है तो जीपीएस क्या करता है कि वो लोकेट करता है तो आपकी करंट लोकेशन जहाँ पे है तो जीपीएस इसको ट्रैक करता है और वो चेंज करता है तो जी पी एस टर्न ऑन नहीं होने का कारण ये है आपका सर्वर डाउन हो सकता है या फिर आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपका नेटवर्क इशू है तो फर्स्ट हम नेट नेटवर्क ने का भी समझेंगे नेटवर्क आपके बरसात वेदर के कंडीशन के कारण भी होता है अगर आ, कर, आ, वेदर ठीक नहीं है तो वेद, आ, कर, आ, आ, आपके नेटवर्क भी ठीक नहीं होगा तो अभी चलो दोस्तों ये हमने रीज़न समझ लिया है अभी हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे आपको क्या करना है दोस्तों आ, <coughs> सबसे पहले आपको आ, यहाँ पे आ, सेटिंग बनाना है सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों मैनेज ऐप पर चले जाना है मैनेज ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे लोडिंग भी थोड़ा प्रोसेस में टाइम लेता है तो आपको थोड़ा वेट करना है दोस्तों पेशेंस बनाए है और यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विस को सर्च कर लेना है गूगल प्ले सर्विस हाँ इसको सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है अगर आपका फोर स्टॉप का ऑप्शन एनेबल कर रहे हैं तो फोर स्टॉप एक बार कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे डाटा को क्लियर कर डाटा को क्लियर कैच के क्लियर कैच भी कर लीजिए क्योंकि ये जितने भी टेम्पोरी डाटास होते हैं ये क्लियर करके आपके जो जीपेस है इसको बूस्ट अप करते हैं और जीपेस क्या करता है आपके नेटवर्क को स्पीड अप करता है और उसके बाद यहाँ पर जितने भी ऐप परमिशन है इस पर टैप कीजिए जितने भी परमिशन हैं इसको एनेबल कर लीजिए एनेबल कर लेने के बाद बैक आइए और उसके बाद बैक आइए बैक आइए बैक आइए बैक आइए और अपनी प्रॉब्लम को चेक कीजिए दोस्तों फ्लिपकार्ट में जाके आपके प्रॉब्लम को चेक कर लीजिए कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ है या नहीं क्योंकि ये जो प्रोसेस है दोस्तों ऐप्स के रिलेटेड और जो एप्स के जो रिलेटेड होते हैं वो टेक्निकली कभी क्या होता है हिर होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है हम फेस करते हैं तो ये एक सोल्यूशन है दूसरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आपको क्या करना सेटिंग है सेटिंग्स पे जाना है सेटिंग्स पे जा सॉरी प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको बेका होम स्क्रीन पे आना है उसके बाद सर्च बार पे यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव को ओपन सर्च कर लीजिए गूगल गु, गु, ड्राइव को सर्च कर लीजिए जैसे कि दोस्तों हम डेस्कटॉप पर देखते हैं हमारे आ, विंडो ड्राइव होते हैं विंडो ड्राइव के कारण सब विंडोज़ इंस्टॉल होते हैं तो वैसे ही हमारे यहाँ पर एंड्रॉयड पे भी होता है गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव ही आपका यहाँ पे आ, सब एंड्रॉयड को और, रन करता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो अपडेट कर लेना है क्योंकि अपडेट 90 परसेंट एरर को फ़िक्स करता है और प्लस नए नए फीचर्स को प्रोवाइड करता है आपके ऐप्स को अगर आप ये करते हो तो आ, आपका नाइन्टी परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ये कर लीजिए और ट्राई कीजिए अपने एक दफ़ा फिर से अपने प्रॉब्लम को आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा दोस्तों यदि इस सोल्यूशन से भी नहीं हो रहा है दोस्तों आप घबरा नहीं आप क्या कीजिए सेटिंग्स पे आइए उसके बाद सिम कार्ड है मोबाइल नेटवर्क्स पे चले जाइए वोल्ट अनेबल देख रहे हो इसको आप एक बार डिसेबल करके फिर से अनेबल कीजिए और उसके बाद सिम कार्ड पर चले जाइए दोस्तों उसके बाद प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाइए उसके बाद अगर आपका टू पर है तो डायरेक्ट आप प्रिफर्ड लाइट पर जाइए क्योंकि प्रीफर्ड लाइट है जो कि थ्री और फोर को कम्बाइंड करके आपके नेटवर्क को बूस्ट अप करता है तो ये है सॉल्यूशन दोस्तों ये सॉल्यूशन को ट्राई कर लीजिए आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और यदि बाई चांस इस सॉल्यूशन से नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप क्या कीजिए अपने ऐप्स को अपने ऐप्स को ही एक बार अंस्टॉल कर लीजिए अनस्टॉल करके फिर से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आपका हंड्रेड परसेंट जितने भी प्रॉब्लम है वो फ़िक्स हो जाएगी क्योंकि हम जब इंस्टॉल को ऐप्स को इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं और फिर से इंस्टॉल करते हैं वो रिफ्रेश होता है और फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चलने ही लगता है लेकिन आप जितने भी आपको डिटेल्स है वो आप पुटअप कर लीजिए और आपके प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते तो दोस्तों यही है वीडियो और वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन पर और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कॉमेंट कीजिए मैं जल्द से जल्द ट्रबल शूट का वीडियो आपको बना के दूँगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर